दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनिये के पौधे की हम केयर किस तरह से करें, धनिये को कैसे उगाया जाता है। इसके वीडियो मैंने आपके साथ 2 से 3 अलग अलग तरह से वीडियो शेयर किए हैं। आपके घर में जो धनिये के बीज होते हैं दोस्तों, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं बीजों से आप धनिये का पौधा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मैंने भी बस इस गमले की मिट्टी में कुछ धनिये के पौधे बीजे डाल दिए थे और इतने बड़े हमारे धनिये के पौधे हो गए हैं। साथ में एक दो पौधे आपको दिख रहे होंगे, ये लंबे लंबे से, ये थोड़े कुछ जंगली पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें हमें समय समय पर निकाल कर फेंकना है। तो धनिया का आप ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, जब भी आपको ज़रूरत है हरे धनिये की, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी धनिये को आप कैंची से की मदद से ऊपर ऊपर से काट लें। इन पौधों को आपको जड़ सहित नहीं उखाड़ना है क्योंकि ये दोबारा भी बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं मैंने कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरह के गमलों में हरे धनिये के बीज डालकर रखे थे। कहीं कहीं आपको बीज ऊपर दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए बहुत से गमले हैं मेरे पास धनिये के दोस्तों, और जब भी मुझे ज़रूरत होती ऊपर ऊपर से मैं इसकी पत्तियों को काट लेती हूँ। और ऑर्गेनिक तरीके से हमने इस धनिये को उगाया है, किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इनकी खुशबू तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होती है। और ख़ासकर ये जो देसी धनिया है दोस्तों, ये तो बहुत ही लाजवाब होता है। इस धनिये की पत्ती, इस धनिये की आप जो बारीक बारीक इसकी डंडियां होती हैं, इसे भी आप चटनी में सब्जियों में डालें, वो भी बहुत ही खुशबूदार होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हर साइज़ के धनिये का गमला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो 8 से 10 दिन पुराना है, ये गमला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से पौधे आना शुरू हुए हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो थोड़ी नुकीली सी होती हैं, और बाद में कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही इसकी ट्रू लीव्स आना शुरू होती हैं। तब हमें लगता है अरे हाँ, ये तो धनिये का ही हमारा पौधा है। तो कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरह के गमलों में मैंने हरा धनिया लगाया है, और हरा धनिया लगाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको मिट्टी के ऊपर धनिये के कुछ बीज डालना है, 5 से 6 दिन में ही इसके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे से इसके पौधे आने लगते हैं, और 10 से 15 दिन के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर ऊपर की पत्तियों को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं और सब्जियों में इस्तेमाल करें। यकीन मानिए दोस्तों, आप सब्ज़ी में जब इसकी कुछ पत्तियों को काट कर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आती है। क्योंकि दोस्तों ये जो हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, तो वो धनिया जो होता है वो बहुत ही खुशबूदार होता है। बाज़ार से जो हम धनिया लाते हैं उसमें उतनी तेज़ खुशबू नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, उनको बहुत ही तेज़ी से उनकी ग्रोथ की जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र डालकर, तो उनमें वो खुशबू नहीं होती है जो घर के धनिये में होती है। तो आप भी अपने घर पर हरा धनिया ज़रूर उगाएं दोस्तों, बहुत ही आसान है। घर में बीज होते हैं, आप चाहें तो बीज भंडार से हरे धनिये के हाइब्रिड सीड्स भी ला सकते हैं। इसके हाइब्रिड सीड्स भी आते हैं, मात्र 10 रुपये का बीजों का पैकेट आता है दोस्तों, और बहुत ही काम का होता है। हम और धनिया तो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हमें पूरे समय काम पड़ता है, चाहे नाश्ते में, चाहे खाने में, चाहे किसी भी चीज़ में हम हरे धनिये की को डालते हैं, चाहे हम किसी डिश की कुछ जो बनाते हैं उसमें गार्निशिंग के लिए हमें धनिया लगता है। और वैसे भी हरा धनिया तो गुणों का भंडार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिये में आयरन होता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा धनिये की चटनी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए।